अभी याद आया कि मेरी जो ब्लैक वाली जीप है उसका स्टेरियो बंद हो गया, तो यानी बंद इन द सेंस फुल डेड है, तो मेरे ख्याल से उसका फ्यूज उड़ा हुआ आएगा क्योंकि और कहाँ तो शॉर्ट हुआ नहीं है। तो अगर आपका भी कभी स्टेरियो बंद होगा तो सबसे पहला फ्यूज चेक करना। तो अभी चलो साथ में चलते हैं और देखते हैं इसको ट्रबल शूट करके। तो जीप की एक्चुअली काफ़ी हालत खराब है बॉस। फुल डेड। हेवी रोस। तो फ्यूज बॉक्स इसका है इधर, ठीक है। तो इधर यूजली पीछे तरफ लिखेला होता है कि क्या चीज़ किधर है, तो एक्चुअली पूरा पीस बाहर आना चाहिए इधर से यार, दिखेगा कैसे नहीं। तो आई थिंक इधर से सेपरेट होएगा। अबे इतने छोटे में लिखा है यार। तो चेक करने के बाद मालूम पड़ा जो उनसा रेडियो का कोड है जिधर वो फ्यूज़ है M10 M12, तो M10 और M12 ये दोनों है जो हिसाब से लोग का डब्बा है। तो ये देखो यूजली आपको ऐसे फ्यूज़ पुलर भी होएगा आपके गाड़ी में, तो ये यूजली ऐसे करते और आ जा ये किया, ये देखो सीधा बाहर आ गया। अरे निकल भाई। तो ये वाला देखने में बराबर लग रहा, तो यानी ये हो सकता है। तो ये भी ऐसे दिखने में बराबर लग रहा है, आई एम नॉट श्योर प्रॉब्लम किधर है। तो ये 20 को मैं चेंज करके देखता हूँ क्योंकि इट सीम्स ये एम्पलीफायर के लिए पीछे और 20 अपना रेडियो के लिए, तो मेरे पास है मैं लेके आके अभी चेंज कर दूँ। बहुत सारे फ्यूज़ है बॉस मेरे पास, ये देखो पूरी बैग भर के पड़ी हुई है, सब बैकअप रेडी है अपने पास। मेन अभी काम में आ गए तो फायदा हो गया। तो मिल गया येलो वाला, चलो अभी इसको डाल के देखते होपफुली अपना काम हो जाए। ज़्यादा उम्मीद नहीं है मेरे को कि चलेगा, पर क्योंकि ये वाले फ्यूज़ में ऐसे प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि यूजली अगर फ्यूज़ उड़ जाता है ना तो बीच में से ऐसे कट जाता है, सेपरेट हो जाता है, ये केस में तो नहीं है। तो हो सकता है पूरा स्टीरियो ही उड़ गया होगा। ओके ये डाल दिया। अरे चालू हो गया, वाह। एक मिनट मेरे को मेक श्योर करने का, कुछ वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ तो आवे। ओके किधर है रेडियो, हो गया अपना काम गाइस, मस्त हो गया अपना काम, मस्त। अच्छा और ट्राई तो किया कम से कम, देखा कितना इजी प्रोसेस था गाइस। आपके हाथ कभी भी होएगा तो यू नो व्हाट टू डू नाउ। तो सब वापस डाल दे रहे, ये गया अपना फ्यूज पुलर। ये डाल दिया अंदर, हो गया लॉक। क्या बात है कूलिंग कम लग रहा है, बाप रे इतना कम, इसको भरना पड़ेगा बस, ये तो कुछ नहीं है देखूं तो।
इतना कम बोले तो इन्हें क्या लूँ, शायद किधर लीक होएगा। चलो इधर तो है। बाप रे बहुत कम है यार, थोड़ा भी दिख रहा ही नहीं इधर रिजर्वर में। इसके बैकअप पड़ा है, कूलेंट भी आई थिंक मेरे पास होना तो चाहिए, नहीं होएगा तो चल के लेके आते हैं बॉस स्टोर से, है ना। तो ये देखो, अब मेक श्योर करना आप कभी भी कूलेंट डालोगे ना गाड़ी में, मेक श्योर करना ये देखो कैसे लिखा हुआ है इधर, ऑटोमेकर अप्रूव्ड क्राइसलर। तो ये कलर्ड है ठीक है, तो अलग अलग कलर के अलग अलग कूलेंट्स आते, तो मेरा वाला जोन सा है वो ऐसे येलोइश कलर है इसमें। क्या कल की कुछ भी अगर आप डाल दोगे ना तो एक का दूसरा हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। ये कूलेंट का डब्बा इधर आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, ये मेरे को पड़ा था $20 के आसपास। उम्मीद थी नहीं बॉस की रेडियो चलेगा, पर चल गया मस्त, ना काम हो गया आज का। बोलो ना, इधर कुछ ना कुछ आते ही रहता है बॉस, काम की कमी नहीं है इधर। कम क्यों हुआ समझ में नहीं आ रहा। यूजली अगर रेडिएटर के आजू बाजू लीक होता है ना रेडिएटर पे तो आपको ऐसे वाइट वाइट दिखेगा ना, काफी है। हो गया ये, इसको करते अभी बंद। चलो अभी मेरे को भी मालूम पड़ गया अपना 20 mm का फ्यूज है अपना रेडियो का। तो ये हो गया है लॉक, आप ही अब इसको खाली डाल दो, आज के लिए अपनी जीप हो गई रेडी। फ्यूज़ गया इधर, बाय बाय 20 mm डेड फ्यूज, पूरा डब्बा ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। एक और ला के रख दूँगा, अभी इसका फ़ोटो निकाल के जाता हूँ पार्ट ऑटो पार्ट स्टोर पर आजकल में। डाल दिया इधर नेक्स्ट टाइम के लिए। तो अभी पूरा ये एरिया ऐसे लेवल कर रहा हूँ, फ्लैट एकदम। मेरे नेबरहुड में सब लोग एकदम प्लांट्स के मामले में एकदम हिसाब किताब में रहते हैं, तो टू सम एक्सटेंट मेरे को भी करते रहना पड़ता है। ऑल्दो लोग के लेवल पे मैं हूँ नहीं, मेरे नेबर ऐसे पूरा पूरा दिन लगे ले रहते हैं यही सब करने में, पर एनीवेज मैं एटलीस्ट इतना करता हूँ कि मेरे को ऐसे शर्म नहीं आ, समझे। और मेरा घर ऐसे अच्छा लगे नेबरहुड। सब आजू बाजू वाले लोग अपने यहाँ एकदम मस्त है यार, इतने मेरे को इधर आके बहुत साल हो गए और बहुत अच्छे हैं आजू बाजू वाले। कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो लोग को बुला सकता हूँ। सब लोग को इतना मालूम है कि अगर ये लोग को मेरी ज़रूरत पड़े आधी रात को भी मेरे को फ़ोन करेंगे, मैं पहुँच जाऊँगा। तो ऐसा रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नेबर्स के साथ अगर मज़ा नहीं आवे ना तो लाइफ का क्वालिटी चले जाता है बॉस, क्योंकि ये एटलीस्ट इधर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रोज़ हम लोग अंदर बाहर करते रहते हैं, अच्छा एक स्माइलिंग फेस हो गए, हाय हेलो करे, मज़ा आता है थोड़ा रहने के लिए यार। राधा देन ऐसे एक दूसरे के हाथ मुंडी टर्न करके आवे, उसमें क्या मज़ा है रहने का। तो मैं कभी भी अभी मेरा नेक्स्ट घर भी लूँगा तो मेरे को मेक श्योर करने का कि मेरे आजू बाजू वाले में एटलीस्ट जहाँ तक मेरे से हो सके कि मैं चेक करूँ कि ऐसे फ्रेंडली हो, यू नो।